Dolly, Anisha, the beautiful star. I want this one. What's it? ये फिल्म YouTube से उनकी प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब है ऐसा एक फिल्म शूट करते कैसे हैं सोशल जी मैं खड़े थे बाहर शॉट चल रहे थे भाई परफॉर्म कर रहे हैं और शूट चल रहा था बहुत साइलेंटली ऑलमोस्ट सेम मोमेंट में मैं और इतनी सारी स्टोरी देखी उसको एक साथ आसान नहीं था इवेंट्स के चलाऊंगा हम दीवार में ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं स्केच चल रहा है उनको इमोशन से नहीं वो रिकॉर्ड हो रहा है ना इनका माइक से सब रहा है हमारा इसमें सब रहा है उनके माइक से चलेगा नहीं पूरे इवेंट को फिल्म का लक्ष्य क्या है फिल्म क्या कहना चाहते हो मैंने की बात फिल्म का हम तो क्या होगा बाद में रास्ते फिल्म चले गए किस कारण से क्या मैसेज दे सकता हूँ अल्टीमेटली सेट पर कोई यादगार पल जो आप लोग शेयर करना चाहें कुछ ऐसा हुआ तो उसमें से एक शेयर कीजिए वैसे बहुत सारे मोमेंट है मेरे लिए एक बार सुशील ने पूछा था कि भाई तुम तो इतनी सारी बड़ी बड़ी बड़े भाषण के साथ और यहाँ पे बहुत छोटा सा शहर आप आश्चर्य बात कर सकते हैं तो बहुत छोटी सी यूनिट है तो कैसा फील आ रहा है मतलब जैसे मुझे यहाँ पे टीम दिख ही नहीं रही है मुझे यहाँ पे भतीजा दिख रहा है मेरा बचपन का दोस्त दिख रहा है और अपने ही अपने दिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ तो वहाँ पे वो लहरी का सोना है या कुछ अभाव दिख रहा है एक ही नहीं रहा है तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल बात थी कि आप इतने बड़े सेटअप में काम करने की बात हो रही है काम वैसे ही हो रहा है जैसा होना चाहिए ओपन मैंडी कास्ट के साथ में जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा काम करके ऊपर मैन में क्या कुछ शेयर करना चाहते हो आप मैन में बहुत अच्छा था माशी मैं 2016 से था तो तभी के साथ काम कर रहा हूँ मैं लेकिन था एंड अपॉर्चुनिटी के लिए सीरीज में काम करने का टीम प्रोडक्शन डायरेक्शन एवरीथिंग माय को एक्टर्स बहुत बहुत अच्छा मैंने फील सो लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस सुपर मूवी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द बहुत मजा आया इट वाज एवरीथिंग वाज सो सेट के ऊपर कि वहाँ पर बहुत कंफर्ट जोन था कि मतलब चाहे वो
मौजूद हूँ यहाँ पर, काम करते हुए इतना सारा काम मैंने किया है, बट जो मैं पहली मूवी थी वो मैं दिल्ली में जाके बनी थी, और ये मूवी में जब मैं दिल्ली में गई तो तब मुझे मिली है, और मैं वापस आपको कैसे लगा, कितना कुछ आप लोगों को खेलना पड़ा? जी 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 इससे पहले अभी मेरे एक और एक्टर फ्रेंड बैठे हुए तो उनको भी एक लोगों ने बोला कि यार ये बड़ा बहुत ही लेजेंड है, ये मिलने नहीं देता या लेकिन मेरा सोचना ये है कि जब एक्टर वास्तव में सही काम कर रहा हो तो शायद डायरेक्टर रूल है कि एडिटर फिल्म को कंट्रोल करता है, डायरेक्टर फिल्म को होने देता है, वो सही दायरे से बस बाहर लगा है, उसको सिर्फ इतनी निगरानी रखनी है। मैंने इतना ही किया, मैंने एक्टर से सही बात है, देखा पता ही है कि जब आपको डायरेक्टर के मन तक एक्टर मिल जाता है और वो उसकी बात भाषा या बात को समझ रहा है तो काम बहुत ईजी हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसके पीछे भी डायरेक्टर का ही हाथ होता है कि वो उसका ब्रीफ को कैसे दे रहा है। आशीष की एक चीज बहुत अच्छी थी, वो सीन से पहले ब्रीफ देता था ऐसे है और ऐसे है, तो वो इतना खुल जाता था, उसे निकालने में बहुत मुश्किलें नहीं आती थी और बहुत आसानी से या बहुत मजे के साथ मुझे था। ये बड़ा अच्छा हमारा काम साफ हो जाता था, जिस तरह की नरेशन आती है डायरेक्टर से हमारा काम डन हो जाता था, जो उन्होंने बोल दिया जी सर। क्वेश्चन ये है कि ओवर मैन जो फिल्म बनी है और आर्ट के ऑडियंस को इसके बारे में क्या मैसेज देना है? मेरा सीजन वन का बिल्कुल सिंपल सा मैसेज था, ये मेरा और मैं इस लोगों से यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी सुबह दवा देने के लायक मुश्किलें आएंगी, आसान है मुश्किल नहीं, जितना आसान नहीं है लेकिन मरना कोई सोल्यूशन नहीं, मरना कोई सोल्यूशन नहीं, यही खूबसूरती है हर माँ को मालूम होता है कि मेरे घर में बच्चा है, घर में लेकिन उस जिंदगी को इन्वाइट हो रखती है उस पर कुछ खेलना वैल्यू करना चाहिए और ऑब्वियसली जो भी आप उसके बारे में बात करना चाहिए, सोल्यूशन निकलेंगे, अगर सोल्यूशन नहीं निकले तो एटलीस्ट जीने के कोई रास्ता है। स्क्रीन कर लेते हैं, मैं चाहूंगा आकाश जी और मुकेश जी इनके ड्राइंग कर लें, एक बार बहुत बहुत तालियां हैं इन दोनों के लिए और लियाकत के लिए जिन्होंने बहुत सुंदर म्यूजिक कंपोज किया है। हमें नहीं करनी कोई एंगेजमेंट, एंगेजमेंट दिमाग खराब हो गया, 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जा। Background of applause for Iris Music.
काफी कोई भी सिस्टम नहीं है। हां लाइट जला के जरा इधर आइए। कुलदीप भाई, कुलदीप भाई But I would like to thank Sir Lavina and the entire team that they helped us out pulling it off so nicely. So your question was first reaction. थोड़ा गाना सिर्फ गाना होता है स्टार्ट पॉइंट सिर्फ गाना था अगर उस
उसमें स्टोरी भी आ जाती है तो आप इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये कोशिश की गई है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, गाना पसंद आए। जैसे आपने कहा कि ट्रैक अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा ट्रैक है, खूबसूरत भी लग रहा है, लोगों ने गान भी बहुत अच्छा किया, तो उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लगी। ये शायद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ शायद ये गाना ज़्यादा लोगों देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो पहले लोकेशन आदमी देखता है उसके हिसाब से डिजाइन करता है कि यहाँ पे हम ये शूट करें, या तो जो है वो गाने की या सीन की डिमांड होती है उस हिसाब से लोकेशन ढूंढी जाए। हमने तो पहले लोकेशन ही देखी थी और उसके बाद फिर हमने उसी हिसाब से उसको फिल्म। जैसा आप देख रहे हो सब आपके सामने खड़े हैं, हमारी पहली शूट हो चुकी है और ऐसे ही हम जितना हमसे मैक्सिमम बल बढ़ेगा हम आगे प्रमोट करते रहेंगे और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी अगर अच्छा लगे तो शेयर करते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर का कि इन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा और हमेशा मुझे मतलब अच्छा ही काम दिया है इन्होंने और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम मिलेगा। और ये दोनों बच्चे भी मेरे लिए बच्चे की तरह हो गए थे, तो मैं पेरेंट की तरह ट्रीट कर रहा था, उसमें उससे कोई बड़ी बात नहीं थी। और मुझे तो इस बात की खुशी थी कि अगर एक काले आदमी को इतनी बेहतर लड़की मिल गई है बेटी की शक्ल में, तो वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो होता है, नहीं भाई मेरी वाइफ तो बोली थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस टीम में। और सच बताऊं तो ये हकीकत है कि हम सब ने एक टीम की तरह काम किया, किसी ने भी मतलब एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर एज ए मतलब हर आदमी ने अपना 100% नहीं 10% दिया इसके लिए। और ये बात सही है, टर्निंग पॉइंट भी मैंने बहुत एंजॉय किया और आगे भी मैं इन सब के साथ जब तक जिंदा हूँ काम करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमें इतना अच्छा लव सॉन्ग देने के लिए, और मैं आशा करूँगी कि ये लव सॉन्ग बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और काफ़ी लोग इसे पसंद करेंगे। आप भी देखते रहेंगे।